दोस्तों इधर रोटरी हैमर है हमारे पास, इस हैमर के अंदर ये जो बिट है इसकी, ये लॉक नहीं हो रही है। तो आपने देखो कई बार ऐसे बार हमारे पास होता है कि हमारा ये जो हैमर होता है उसमें ये बिट लॉक नहीं होता और बार बार बाहर निकल के जाता है। जैसे हम चलाते हैं बाहर निकल के जाता है। दोस्तों ये परेशानी क्यों आती है या बार बार बिट बाहर क्यों निकलती है, तो इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व करें कि बिट हमारे निकले नहीं बार बार और लॉक हो जाए। तो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये जो डस्ट कवर है ये सब खोलना पड़ेगा। मैं इसे खोल कर और फिर आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमें इसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये डस्ट कवर जो है ये पुश करके हमें ये ऊपर का ये रबड़ का लगा हुआ ये वाला ये डस्ट कवर ये हमें निकालना है। और दोस्तों निकालना बहुत ईजी है, इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको प्रेस करना ऊपर, ये देखिए बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें ये जो डस्ट कवर इसे नीचे दबाना है। इसे पुश करने के बाद इसके अंदर एक रिंग लगी हुई जो लॉक का काम करती है। दोस्तों ये जो देख रहे हो आप रिंग, इसके ऊपर ये बिल्कुल पतली सी रिंग आपको नज़र आ रही है ये वाली। तो दोस्तों इस रिंग को हमें निकालना है और निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से, ये देख रहे हो आप स्क्रू ड्राइवर के सहायता से आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं लूँगा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर और फिर आपको निकाल के कैसे निकालते हो। तो दोस्तों ये जो स्क्रू ड्राइवर से आपको यूँ लगाना है इसको प्रेस करके और ऐसे बाहर निकालना है, ये देखो निकल गई। फिर उसके बाद ये वाशर हमें निकालना। दोस्तों यही सेम रिंग एक इससे बड़ी इसके अंदर भी है, ये वाली जो आप इसके अंदर देख पा रहे हो जो भी ये सेम इसके अंदर भी है और वो भी हमें ऐसे ही निकालनी है जो इस कवर का काम इस कवर को रोक के रखती है। दोस्तों उसी के अंदर है हमारा जो चीज़ जिसकी वजह से ये लॉक होता है, जो भी चीज़ है इसके अंदर वो उसी लॉक को निकालने के बाद बाहर आएगा। तो हमें वो लॉक भी निकालना है जैसे हमने इसको निकाला पेचकस से जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों आपको, ये करते हैं बिल्कुल आराम से क्योंकि ये कई बार उछल कर लग जाती है, तो आपको ध्यान देना निकालते समय कि ज़्यादा आपके लगे नहीं, बिल्कुल केयरफुली आपको ये निकालना है पेचकस की सहायता से। तो चलो इसको भी हम निकालते हैं पेचकस के, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। मैंने भी लगाया और ये ले ली बाहर, दोस्तों थोड़ा स्लिप हो रहा है, ये देखो ये बाहर आ गया। दोस्तों ये लॉक है, अब इसका देख कवर निकालना है और ये है दोस्तों यही है मेन जिसकी वजह से हमारा लॉक होता है। ये देखो अभी निकालेंगे हम इसका, इसका ये वाशर है। एक मिनट दोस्तों थोड़ा फंस गया है, हाथ स्लिप हो रहा है थोड़ा सा। ये जो छर्रा है दोस्तों उसके अंदर बॉल हमारा ये छर्रा दोस्तों यही है मेन, कई बार ये कट जाता है तो आपको ये भी चेक करना है। हालांकि ये सही है, बिल्कुल ये कटा नहीं है, यही है बॉल, ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमें जो चीज़ देखनी है वो है दोस्तों ये कि ये अंदर से कटा हुआ तो नहीं है, पर ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों फिर हमें जो ये वॉल है छर्रा दोस्तों ये भी निकाल के देखना अच्छी तरह से कहीं कटा हुआ तो नहीं। फिर उसके बाद ये रिंग दोस्तों, ये रिंग देख रहे हो आप, यही है जो छर्रे को रोक कर रखती है, बाहर नहीं आने देती है। एक साइड से बिल्कुल प्लेन है और दूसरी साइड से कट गई, देख रहे हो आप। तो दोस्तों जिस तरीके से आप नजर आ रही है कट खड्डे खड्डे इसमें हो गए दोस्तों, ये देखो ये जो खड्डे देख रहे हो आप, इसी की वजह से दोस्तों ये छर्रा हमारा पीछे आ रहा है और उसके से हमारा जो बिट है जो प्रेशर नहीं बन रहा उसकी वजह से वो बाहर आ रही है बार बार। दोस्तों यही है, अगर ऐसे खड्डे हो जाएंगे या ऐसे कट जाएंगे और कटने की वजह से क्या होता है छर्रा फ्री हो जाता दोस्तों उसमें से, तो वो लॉक नहीं कर पाता हमारे बिट को, इसी वजह से हमारा बिट बार बार बाहर आ जाता दोस्तों। और ये हुआ एक हमारे जो है पत्ती दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ और है हमारे ये जो पत्ती है ये देख रहे हो आप दोस्तों, इस पत्ती में भी आप देख रहे होंगे ये दोनों ऐसे लगती है दोस्तों, इस लग के इसके इन दोनों के बीच में छर्रा होता दोस्तों, जैसे कि ये लग रहा है इन दोनों के बीच में छर्रा होता, लेकिन क्या हमारे ये एक साइड सही है एक साइड ही कट गया है और जो दूसरी साइड है मैं एक मिनट से साफ कर लेता हूँ, साफ करके फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखा आप अच्छी तरह से देख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा कट गया दोस्तों, सब जगह से कट गया, इसीलिए बिट बार बार बाहर आ रही है दोस्तों। अब हम इसे चेंज करेंगे, तो पहले हमें इसको सफाई करनी है दोस्तों। और दोस्तों ये जो छर्रा है इसको तो मैंने पहले चेक कर ही लिया है, फिर भी आप लगाते समय एक बार एक ध्यान रखें बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए ये। तो दोस्तों फाइनल अब इसको साफ़ कर लेते हैं हम, और मेरे पास जो दूसरा पड़ा है हम वो सेट इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको साफ़ करना है, ये रोलर एक मिक्सर बाहर निकल गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको उसको चेंज करना है। दोस्तों ये दूसरा पीस है जो मैंने दूसरे एमएम से निकाला दोस्तों, आप इसको देखो ये जो लगा हुआ वाशर दोस्तों बिल्कुल सही है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, देखो इसमें कहीं से भी कट लगा हुआ नहीं है, देख रहे दोनों साइड से बिल्कुल क्लीन है दोस्तों, ठीक है। ये आपको चेक करना है लगाते वक्त कि दोनों तरफ से बिल्कुल क्लीन है दोस्तों, क्योंकि यही है जो प्रेशर बनाकर रखा छर्रे को। और दूसरी है इसकी रिंग, ये पत्ती आप देख रहे हो दोस्तों दोनों के बीच में दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पत्ती भी आपको ध्यान देनी है। और ये है दोस्तों पहले वाला जो कि मैंने आपको बताया था, एक मिनट में साफ करता हूँ। और ये है पहले वाला दोस्तों, देखो इसकी कंडीशन कितनी बुरी थी मैंने, और ये है नया वाला, आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो दोस्तों। तो हम ये इसमें लगाएंगे, और ये पत्ती का भी आपको ध्यान देना दोस्तों, ये पुरानी वाली पत्ती है, एक बार इसमें मैं आपको देखा कितना बड़ा खड्डा इसमें देखो आप, और इसमें देखो नए वाले में,
हालांकि ये भी देख सकते हैं दूसरे हैमर का मेरे पास, पर ये इतना कटा हुआ नहीं जितना कि ये कटा हुआ दोस्तों। इसमें देख रहे आप समझ कितना अंतर है, उसमें खड्डा हो गया दोस्तों ये वाला, और उसी की वजह से छर्रा क्या प्रॉपर प्रेशर नहीं बना पा रहा, जिसमें देखो कितना कम है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बस यही एक काम है जिसकी वजह से हमारे हैमर की प्रॉब्लम परेशानी आने लग जाती है बिट बार बार निकलने की। दोस्तों अब मैं इसे पैक करूँगा। सबसे पहले हमें दोस्तों ये स्प्रिंग लगानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्प्रिंग लगा दी, और उसके बाद वो वाशर और पत्ती जो हमारे पास है जिसके ऊपर छर्रा लगेगा दोस्तों, हमें ये लगानी है बिल्कुल ऐसे दोस्तों, आपको भी ऐसे ही लगानी है। उसके बाद दोस्तों हमें लगाना वो छर्रा जो वॉल है इसका, छर्रा लगाना हमें ये दोस्तों। दोस्तों उसमें कोई सा भी लगा सकते हैं, हालांकि मेरे दोनों सही है, वो मैं एक लगा देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना लगाते समय आपको केयरफुल लगाना, उछल कर आँख वाँख में ना लग जाए दोस्तों, कई बार ये उछल जाता है, वो आपको ध्यान से लगाना केयरफुली। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इसको एक मिनट ये थोड़ा सा आगे ये लगाया छर्रा, अब ये लॉक हो गया दोस्तों, छर्रा बाहर ना निकला, इसको लॉक करने के लिए ही ये वाशर होता है दोस्तों, देख रहे हो आप ये हो गया इसमें लॉक। अब उसके बाद दोस्तों हमें ये डस्ट कवर लगाना है, ये वाला जो इसका है जो आपको बढ़िया है दोस्तों, मैं ये लगाऊंगा, ये बढ़िया है, तो कटा हुआ नहीं दोस्तों, ये साफ़ है, हम इसे लगाएंगे। तो एक ही बात है, दोनों में से कोई भी लगा सकते, बढ़िया है दोस्तों, दोनों दोनों ही सही है हमारे, तो मैंने ये लगा दिया। और दोस्तों इसके बाद हमें वो रिंग लगाने दोस्तों बड़ी वाली जो लॉक का काम करती है इसके ऊपर दोस्तों, और बिल्कुल पेचकस ये पे हमको प्रेस करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी आपको प्रेस करनी है पेचकस की सहायता से दोस्तों। ये हो गया अंदर बिल्कुल दोस्तों, अभी लग गया, अब ये कवर बाहर नहीं आएगा, हाँ ये लग गया। और दोस्तों लगाते समय आपको बिल्कुल ध्यान देना, लॉक के अंदर ही बैठना चाहिए दोस्तों, और बैठने के बाद आपको ये देखना है ऊपर नीचे करके, जैसे मैं देख रहा हूँ कहीं ये बिल्कुल भी बाहर ना, और अच्छे तरह से घुमा के एक बार आप देख लें कि प्रॉपर बैठा भी है अपने लॉक पर या नहीं बैठा है। और दोस्तों इसी के अंदर पर बिट भी लगा के चेक करनी है, तो मैं एक मिनट लगा के चेक करता हूँ, ये देखो दोस्तों तो मैंने इसको लगाया दोस्तों, देखो बिल्कुल भी ये नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी खींचने पर भी बाहर नहीं आ रहा दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आपको भी लगाना है, और बिल्कुल ईजी है दोस्तों, और उसको प्रेस करने पर ये बाहर आ गया दोस्तों। फिर हमें फिर से ट्राई करेंगे एक दो बार और दोस्तों, ऐसे खींचने पर भी ये नहीं निकलना चाहिए, और जैसे हम इसको पुश करेंगे नीचे ये बाहर आ जाएगा, देखो दोस्तों खींचने पर भी ये नहीं निकल रहा, बिल्कुल बढ़िया हो गया, नीचे पुश करने पर बाहर आ गया दोस्तों। इसी तरीके से हमें लगाना है, और अब हम इसे पैक करेंगे। तो दोस्तों अभी भी हम बाहर निकालते हैं, और इसका जो है रबर वगैरह हम वो पैक कर देते हैं वाला। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले ये वाशर लगाना दोस्तों, ये आप देख रहे हो वाशर, ये वाशर हमें लगाना है जो ऊपर रबड़ को लगा रोक वगैरह काम करते दोस्तों, ये वाशर लगाएंगे। ये हमने वाशर लगाया, और इसके ऊपर छोटा लॉक और लगेगा दोस्तों, जो हमने फर्स्ट बार में खोला था बिल्कुल छोटा वाला लॉक ये दोस्तों, ये इस वाशर को रोक के रोकने का रखने का काम करता है, ये इसको रोकेगा, और उसको हमारे डस्ट कवर लगाना आगे रबड़ वाला ये दोस्तों। इससे हमारे दोस्तों ये लगाना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या है कई बार हमें